मैं बधाई देना चाहता हूं उदय इंडिया परिवार को। उन्होंने पहले अंग्रेजी में पत्रिका निकालना प्रारंभ किया, लेकिन पत्रकारिता जगत में बहुत ही जल्दी उस उदय इंडिया की साख बनाने में उन्होंने सफलता हासिल की है। अब हिंदी में उन्होंने यह उदय इंडिया पत्रिका निकालने का यह निर्णय लिया है, और मैं जानता हूं कि अंग्रेजी में पत्रिका निकालने से जो सफलता उन्हें प्राप्त हुई है, कहीं उससे अधिक सफलता इस हिंदी में उदय इंडिया निकालने में प्राप्त होगी। मैंने पहले ही यह कहा कि मैं धृष्टता नहीं करूंगा, इसलिए मैंने कहा कि दीपक जी ने यह कहा कि कृपया 2 मिनट का समय ही अपना विचार व्यक्त करने के लिए दें, तो विद्वान जब उस मर्यादा का पालन करें तो नेता को उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मैंने लेकिन नेता को तो ध्यान रखना चाहिए इस बात का, यह आवश्यक नहीं है कि नेता विद्वान हो। नहीं नहीं नहीं, देश का नहीं, विद्वानों को ध्यान, दिशा देने का काम तो विद्वान ही करेगा। मार्गदर्शन यदि प्राप्त होगा नेताओं को भी, तो विद्वानों के माध्यम से ही प्राप्त होगा। वह राजा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता है, समाज और देश का कल्याण नहीं कर सकता है, जो अपने राज्य के विद्वानों का सम्मान नहीं करता। यही भारतीयता है, यही भारतीयत्व है। और हिंदी भाषा का जहां तक प्रश्न है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने सबसे बड़ी चूक, सबसे बड़ा ब्लंडर यदि किया है तो 1947 में किया है, जिस समय की भारत को आजादी हासिल हुई। हिंदी को जो स्थान प्राप्त हो जाना चाहिए था, हम 1947 में दिला सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिलाया। कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति की छाप ही नहीं, क्षमा कीजिएगा मैं कुछ कठोर शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा, कहीं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम यह कदम उठाया था तो आपने देखा कि देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ आंदोलन भी भड़का था, लेकिन फिर भी ईमानदारी के साथ इसे हिंदी भाषा को एक सम्मानजनक स्थान भारत में प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए यदि किसी राजनेता ने आजाद भारत में ईमानदारी के साथ प्रयास किया है, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी शास्त्री ने किया है। यदि मैं उनको आज के दिन स्मरण न करूं, तो मैं समझता हूं कि यह न्याय नहीं करूंगा उनके साथ, इसलिए मैं स्मरण कर रहा हूं। मुझे तकलीफ होती है उस समय जबकि कुछ लोगों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि आज के युग में यदि कोई अंग्रेजी नहीं जानेगा तो प्रगति नहीं कर सकता है। जो देश अंग्रेजी नहीं जानेगा वह प्रगति नहीं कर सकता है, दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में वो खड़ा नहीं हो सकता है। तरस आती है ऐसे लोगों के बुद्धि पर। बहनों भाइयों, रूस यदि रशियन भाषा में देश का ताकतवर देश बन सकता है, फ्रांस यदि फ्रेंच भाषा में बन सकता है, जर्मनी और जर्मन भाषा में बन सकता है, और इजराइल जो हजारों वर्षों तक दुनिया के नक्शे से मिट चुका है, यदि अपनी हिब्रू भाषा में अरब देशों के दांत खट्टे कर सकता है, भारत ये हिंदी में दुनिया का ताकतवर देश क्यों नहीं बन सकता है, यह बात हमारी समझ से परे है। क्या कारण है, क्यों नहीं बन सकते? एक हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ है। आप सब विद्वान यहां पर बैठे हैं, जानकारी आप सबको इस बात की होगी, इंग्लैंड में भी ग्रीक भाषा का एक समय बहुत ही महत्व हुआ करता था। ड्राइंग रूम की यदि भाषा हुआ करती थी तो ग्रीक हुआ करती, लोग यह मानकर चलते थे कि हम यह भाषा नहीं बोलेंगे तो हम वो सब ही नहीं बल्कि हम प्रोग्रेसिव नहीं माने जाएंगे, हम बैकवर्ड माने जाएंगे, एक यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी भाषा इंग्लिश को केवल इंग्लैंड की ही भाषा बनाने में सफलता हासिल नहीं की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसे मान्यता दिलाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। क्या हमारे अंदर वह संकल्प नहीं था, हम क्यों नहीं कर सकते थे?
मैं तो देश के सभी राज्यों में जाता हूं, मैं कह सकता हूं कर्नाटक हो, आंध्र हो, तमिल हो, केरला हो। तमिल में एक समय हिंदी का बहुत विरोध हुआ करता था। मद्रास में मैं गया था तो अंग्रेजी में कुछ बोलना मैंने प्रारंभ किया, लोगों ने कहा कि नहीं, आपके द्वारा हिंदी हमको अच्छी लगती है, हिंदी बोलिए। हिंदी में यदि मैं बोलता था तो 50% लोग रेस्पॉन्ड करते थे, ताली बजाते थे, और 50% लोग जो नहीं समझ पाते थे तो जो ट्रांसलेटर मौजूद थे वो जब ट्रांसलेट करते थे तब वो रेस्पॉन्ड करते थे, ताली बजाते थे। भले ही वो हिंदी ठीक तरीके से न बोल पाते हैं, टूटी फूटी हिंदी समझते हैं। अभी नागालैंड का चुनाव चल रहा था, नागालैंड में मैं गया था तो नागालैंड में यो ही मैंने बोलना प्रारंभ किया तो लोगों ने हाथ हिला उठाकर कहा हिंदी हिंदी हिंदी। मुझे आश्चर्य हुआ, इसके पहले भी मैं नागालैंड जा चुका, लेकिन लोग हमारे कार्यकर्ता यह समझाते थे कि साहब यहाँ तो अंग्रेजी बोलना चाहिए, यदि आप अंग्रेजी न बोलना चाहें तो आप हिंदी में बोलें, उसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें। देखिए इस बार तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो मेरा भाषण क्यों समाप्त हुआ तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि हिंदी कैसे आप लोग समझते हैं। कहा भाई हिंदी हम बोल नहीं पाते बहुत अच्छी, लेकिन हिंदी समझते हैं। मैंने कैसे, कहें कि ये जो सेना के जवान जो हमारे इंग्लैंड में जगह जगह पर तैनात हैं उनके कारण, और साथ ही साथ जो हम टेलीविजन पर पिक्चर देखते हैं उसके कारण हमको हिंदी समझ में आने लगी। कौन नहीं समझता, अधिकांश मैं मानकर चलता हूं कि 85% से अधिक हिंदुस्तान की जनता हिंदी को अच्छी तरह समझती है। और लोग जो भारतीयता भारतीयत्व की जो बात की जाती है, बहनों भाइयों, भारतीयता और भारतीयत्व को किसी दूसरी भाषा में नहीं समझा जा सकता। यदि हम आम लोगों को यह भाषा ये भारतीयता और भारतीयत्व के महत्व को समझाना चाहते हैं, क्योंकि भाषा व्यक्ति के सोच और चिंतन को भी प्रभावित करती है, इस यथार्थ को भी कोई नकार नहीं सकता। भाषा का एक अपना महत्व है। अब जैसे भारतीयता और भारतीयत्व की ये महत्ता की बात यहां पर चल रही थी कि उसका महत्व कैसे है, तो बहुत सारी बातें शास्त्री जी ने भी कही है और आप लोगों ने भी इसके पहले भी कुछ बातें कही हैं। यह तो विषय बहुत ही लंबा है, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैंने कैसे सभ्यता और संस्कृत के निर्माण में इस भाषा का महत्व होता है, मैं केवल एक दो उदाहरण आपको देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जर्मन फिलासफर शोपेनहावर ने भी लिखा है भारत के बारे में, भारत का जो मूल साहित्य विद्यमान है जिसे भारतीय वाङ्मय कहते हैं वह तुम्हारा संस्कृत में है, थोड़ा बहुत प्राकृत भाषा में भी है, पाली में भी है। उस भारत के बारे में जर्मन फिलासफर शोपेनहावर ने लिखा है कि साहब यदि भारत को समझना है तो भारत को केवल एक जिंदगी में नहीं समझा जा सकता, बल्कि भारत के आकाश के तले कई जिंदगी गुजारनी होगी तब जाकर भारत को समझा जा सकता। भारत के महत्व को हम समझा नहीं पा रहे। मैं छोटा सा उदाहरण जो देने की बात मैं कर रहा था, छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। यदि आप किसी विद्यार्थी से, इंग्लिश मीडियम किसी छात्र से पूछिए कि ये बताओ इस दुनिया में कौन कौन से महान राजा हुए, ग्रेट किंग कौन कौन से हुए, तो विद्यार्थी क्या कहेगा? विद्यार्थी यह कहेगा कि नेपोलियन हुए, वो कहेगा किंग चार्ल्स हुए, किंग लुई हुई, किंग आर्थर हुए। ते पूछे, आप पूछें उससे कि तुम इनको महान राजा क्यों मानते हो, तो ये कहेगा कि इनके पास बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स थी, सैन्य बल था, इनकी हुकूमत, इनकी रूल करने की ज्योग्राफिकल एरिया भौगोलिक क्षेत्र जो था वो बहुत बड़ा था, दूसरे राजाओं का नहीं था इसलिए उनको महान राजा मानते। भारत में यदि पढ़ने वाले यदि किसी छात्र से आप पूछें कि ये बताओ इस देश का महान राजा कौन था, स्वाभाविक रूप से उसके जुबान पर जो कुछ नाम आएंगे उनमें से दो नाम स्वाभाविक रूप से आएंगे, वह कहेगा कि भगवान राम थे और राजा हरिश्चंद्र थे, राजा राम और राजा हरिश्चंद्र। क्यों? इनके पास बहुत शासन करने के लिए बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया नहीं थी, उनके पास बहुत बड़ा सैन्य बल नहीं था। यदि उनको भारत के लोग यदि महान मानते हैं तो इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन में राजा रहते हुए ही त्याग किया था। यह है भारतीयत्व के जीवन मूल्य। हमारे यहां श्रेष्ठता
और महानता मापने का पैमाना कभी सैन्य बल नहीं हो सकता है, धन बल नहीं हो सकता है। हमारे यहां महानता को मापने का पैमाना बराबर त्याग रहा है, समर्पण रहा है। यह भारतीयता, भारतीयत्व, यह अन्य जो देशों की जो सभ्यता, जो संस्कृति है, उनके बीच मौलिक अंतर हम केवल एक उदाहरण से ही समझ सकते हैं। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, विश्व वन वसुधैव कुटुंबकम का संदेश तो इसी भारतीयता और भारतीयत्व में विश्वास रखने वाले ही हमारे ऋषियों और मनीषियों ने सारे विश्व को दिया था। आज बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की सब सारी बात की जाती है और विश्व परिवार की बात की जाती है, सब तो बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विश्व बंधुत्व का कंसेप्ट यदि किसी ने दिया तो इसी भारत में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने ही देने का काम किया था। हमने भारत की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि सारे विश्व में रहने वाले लोगों को ही हम लोगों ने अपने परिवार का सदस्य माना। तो आवश्यक है कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, यदि भारतीयता, भारतीयत्व के प्रति हम लोगों की निष्ठा विकसित करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो भाषा की तरफ हमको ध्यान देना होगा। और हमारे जैसा व्यक्ति यदि हमसे कोई पूछे कि पहला कदम क्या होना चाहिए, तो पहला कदम तो मैं यही कहूँगा कि यही होना चाहिए, कम से कम कक्षा एक से लेकर पाँच तक। कोई ये कह सकता है, इस पर डिबेट हो सकती है, कोई कह सकता नहीं साहब बहुत लंबा हो गया कक्षा एक से लेकर तीन तक। कक्षा एक से लेकर पांच तक भारतीय भाषाओं में ही बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कक्षा एक से लेकर पांच तक। सिलेबस के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के अंदर जो छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं अथवा इधर उधर के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके अंदर कुछ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जो इंग्लिश मीडियम कि जो बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा कुछ उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप कर जाता है, हीन भावना पैदा हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? मेरा तो यह कहना है सिलेबस के बारे में भी यह फैसला होना चाहिए कि कम से कम क्लास वन से लेकर क्लास टेन तक सिलेबस, चाहे वो किसी भी भाषा में पढ़ाया जाए, सिलेबस सारे देश भर के लिए समान होना चाहिए। हो सकता है ज्योग्राफिकल यदि हमको जानकारी देनी है, वहां की अन्य कोई जो स्थानीय जानकारियां देनी है, उनमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यह समान होना चाहिए। अपनी क्षेत्रीय जो भाषाएं होती हैं उसके माध्यम से ही, उनके माध्यम से भी लोग भारत की संस्कृति और भारत अथवा भारतीयत्व की जो मौलिकता है उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, मैं आज के अवसर पर कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं आश्वस्त हूं कि क्योंकि मैं पूरे इंडिया परिवार से अच्छी तरह परिचित हूं और मैं जानता हूं कैसे अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और इससे बड़ी चीज लगन के आधार पर इस परिवार ने उदय इंडिया को एक पत्रकारिता जगत में मान्यता दिलाई है और एक इसकी क्रेडिबिलिटी, एक इसकी साख बनाई है। यह बराबर पत्रिका हमारे यहां आती है, इसके आर्टिकल्स को मैं पढ़ता भी हूं और अभी मैं ये देख रहा था हिंदी की जो यह पत्रिका, मैं समझता हूं कि जो उदय इंडिया अंग्रेजी की पत्रिका को एक जो कलेवर उन्होंने दिया और एक जो उसकी एक निष्पक्षता और उसकी साख बनाकर रखी है, तो हिंदी में निकलने वाली इस पत्रिका को भी ये उदय इंडिया परिवार उसको बनाकर रखेगा। दीपक रजित तो समय समय पर बराबर आते रहते हैं और उनकी लगन को देखकर तो मैं बहुत ही प्रभावित रहता हूँ। छोटी सी आयु के एक नौजवान और कितने लगन के साथ इस परिवार, उदय इंडिया परिवार के लिए वह काम कर रहे हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, उदय इंडिया परिवार के सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और इस पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति की ईश्वर से मैं कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त।